हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिवेल्ड कंपनी का वैक्यूम पंप दिखाऊंगा। इसका ये मॉडल है UVP 1.5 CFM और ये वैक्यूम पंप है, ये डबल स्टेज का वैक्यूम पंप है। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों, ये है यूनिवेल्ड कंपनी का वैक्यूम पंप। ये मैनुअल बुक है इसकी, इसमें एक फ्यूज दे रखा है इन्होंने। ऑयल है ये, ये इसका ढक्कन होगा इसमें, जो जहां से ये हवा निकालता है और ऑयल डालते हैं यहां पे, यहां ये ढक्कन लगेगा। ये है यूनिवेल का डबल स्टेज वैक्यूम पंप। दोस्तों, देखने में बहुत छोटा सा है, बहुत पावरफुल है। बट मेरे दोस्त ने मुझे सुजेस्ट किया था, उसने एक साल पहले इसको परचेज किया था और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है वो, तो उसने मुझे कहा था कि यही परचेज करें, तो इसलिए मैंने ये परचेज किया है। दोस्तों, ये यूनिवेल का जो वैक्यूम पंप है, ये डबल स्टेज का है, इसको कैरी करने में बहुत ही आसान होगा क्योंकि बहुत ही छोटे साइज का है। ये देखा जाए तो दिखते हैं जैसे कि तकरीबन 9-9.5 इंच का ही होगा और ये ऊपर को तरफ देखेंगे तो तकरीबन 7 इंच के नियर अबाउट ही होगा। बहुत ही ज्यादा छोटा है, कैरी करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसको तो बैग में भी डाल के ले जा सकते हैं हम। देखा जाए उसका, आओ इसके देखते हैं हम ये इसमें क्या क्या कंपनी ने दे रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट में शुरू करते हैं। ये मिरर लगा हुआ है, यहां से देखते हैं कि हम देख सकते हैं कि हम ऑयल में इसमें कितना है और हमें कोई कम तो नहीं हुआ या कुछ ज्यादा तो नहीं है। ये यहां से देख सकते हैं, ये अब कंपनी ने मार्क दे रखे हैं। इसके नीचे ये एक बोल्ट दे रखा है, ब्रास का है। यहां से हम इसका ऑयल बाहर निकाल सकते हैं, अगर ये ऑयल इसका खराब हो जाए तो यहां से हम बाहर निकाल सकते हैं, ऑयल चेंज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं, ये इन्होंने दे रखा है, यहां से हम इसको हम खोलेंगे। और यहाँ पे हमने ऑयल फिल करना है जो कंपनी में साथ में दिया है। ये वाला ऑयल है कंपनी ने दिया हुआ है, ये 140 मिलीग्राम ऑयल है। ये इसका ढक्कन है, कंपनी ने साथ में दिया हुआ है। यहीं से ऑयल डालना है और यहीं से ही कंपनी, ये जो पंप है ये एग्जास्ट करता है हवा को, जैसे कि कह सकते हैं जो एसी यूनिट से हम लगाते हैं वहां से एसी हवा लेके और यहां से बाहर निकालता है। इसके नीचे बना होता है वो, इसको यहां पे लगाते हैं, देखते हैं अभी। और बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, कलर भी मैच करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ये दो दे रखे हैं इन्होंने सक करने के लिए, ये सकिंग पॉइंट है दो, एक बड़े वाला एक छोटे वाला है। इसका साइज है क्वार्टर का 1/4 और ये दूसरे वाला है, शायद ये बड़ा होगा। इसके बाद देखते हैं कि ये कंपनी ने इस तरफ और ये इस तरफ एग्जास्ट फैन पॉइंट दे रखे हैं, जो कंपनी इसकी गर्मी है इसकी मोटर की वो यहां से बाहर निकलती है, इसमें पंखा जो होता है उसकी मदद से यहां से बाहर निकलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसके पैर है जो नीचे दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत मजबूत है, दिख रहा है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें कलर भी बहुत ज्यादा बढ़िया दे रखा है। उसके पीछे वाली साइड पे आते हैं तो देखेंगे कि ये जो एक ऑन ऑफ स्विच दे रखी है, और ये नीचे देखते हैं ये जो स्टील पेच दो दे रखे हैं छोटे से, इसमें फ्यूज है, कंपनी ने साथ में एक फ्यूज दे रखा है, ये फ्यूज दिया हुआ है। ये कितने एम्पीयर का है ये बाद में देख लेंगे हम। और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताता हूं। ये जो डबल स्टेज है पंप है, इसकी जो मोटर है 1/4 की मोटर है, हाउस पावर की मोटर है, और ये 1.5 CFM। अगर इसको लीटरों में बोलें तो 40.5 लीटर पर मिनट एयर खींच सकता है ये यूनिट से। बहुत तेज है, बहुत ही बढ़िया है ये, तो सिंगल के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। सिंगल का जो होता है माइक्रोन होता है वो 1
50 150 माइक्रोन तक होता है। इसका माइक्रोन देखा जाए तो 38 माइक्रोन होता है, ये कंपनी की बताती है इसका। और ये इसके बाद देखते हैं हम कि ये 220 वोल्ट पे काम करता है 50 हर्ट्ज पे। इसका टोटल वेट देखा जाए विद बॉक्स विद एक्सेसरी देखा जाए तो 4.5 साढ़े चार किलो वेट है इसका। और जो अगर इसको अकेला बॉक्स के बॉक्स से बाहर निकाल दिया जाए और बॉक्स के बाद इसको ऑयल चार्ज करके देखें तो 4 किलो 100 ग्राम के नियर अबाउट बनता है इसका वेट बनता है, जो बहुत ही कम है, इसलिए कैरी करना बहुत ही आसान होगा इसको। दोस्तों इसकी जो वायर है वो 6 फीट लंबी है और ये 6 फीट लंबी के बाद है वो ये काफी मजबूत वायर है दिख रही है। दोस्तों ये मेरे दोस्त ने पहले परचेज किया था आज से 1 साल के करीब पहले, उसने मुझे बताया कि ये बहुत ही बढ़िया है, परफॉर्मेंस में भी बढ़िया है और कैरी करना भी बहुत आसान है, तो इसीलिए मैंने ये परचेज किया है। दोस्तों आप भी इसका एक्सपीरियंस लेके मुझे बताएं। दोस्तों अगर आपने इसके बारे में कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर लिखें, मैं आपको इसका वाजिब जवाब जो होगा दूंगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूल लीजिए और प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।